जी जनाब, आइए अब हम इन्वायरमेंट एनालिसिस को स्टडी करने के बाद अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब जो थीम जिसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। देखिए, आप लोगों ने दो चीजें अभी तक कोर लर्न की हैं। पहली चीज ये कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सर्विंग द कस्टमर प्रॉफिटेबली, डिलीवरिंग सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर प्रॉफिटेबली। दूसरी बात आपने ये सीखी है कि मार्केटिंग इज सराउंडेड बाय एन एनवायरमेंट जिसमें प्रीडोमिनेंटली दो पार्ट होते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट, जिनके अंदर एक्टर्स, फैक्टर्स और फोर्सेस होती हैं जो मार्केटिंग की एबिलिटी टू सर्व कस्टमर को अफेक्ट करती हैं, पॉजिटिवली भी करती हैं और नेगेटिवली भी करती हैं। और गिवन रियलिटी ये है कि आप अपनी एनवायरमेंट को बदल नहीं सकते हैं, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते हैं, आप उससे भाग कर कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर आप भाग कर जाएंगे तो जहां पर नई जगह पर जाएंगे वहां भी कुछ ऐसी फैक्टर्स, एक्टर्स और फोर्सेस होंगी जो आपको सराउंड कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरमेंट तो हर जगह पर होगी, तो फिर आपको करना क्या होता है? आपको करना ही होता है जनाब कि आप अपनी एनवायरमेंट के साथ डील करते हैं। तो बुनियादी तौर पर अब इस मौजू में जो हम गुफ्तगू करेंगे उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर इस चीज से है कि ऑर्गेनाइजेशंस और खास तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस में मार्केटिंग जो है वो किस तरह से एनवायरमेंट की क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की रोशनी में डील करती है। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये बेसिकली दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द मार्केटिंग टू इट्स एनवायरमेंट। और आइए अब यहाँ पर हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसको समझते हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। इससे पहले कि हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बात करें, मैं आज चाहूंगा कि आप लोग इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि लव स्ट्रेटेजिक जहां पर इस्तेमाल होता है उसका मतलब है कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग क्रिटिकल, इतनी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल जैसे कि नाउ और नेवर होता है, जैसे कि डू और डाई होता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक मतलब तो यह है ब्रॉड लेवल पर इम्पॉर्टेंट प्लानिंग जो होती है उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहा जाता है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो होती है जो कि असल में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर की जाती है जिसका बुनियादी मकसद एनवायरनमेंट के साथ डील करना होता है। तो क्या होती है जनाब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, आप एक स्ट्रेटेजिक फिट डेवलप भी करते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। स्ट्रेटेजिक फिट क्या होगा, किसके साथ करेंगे अभी देखते हैं। बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड कैपेबिलिटीज, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ गोल्स होते हैं, गोल्स क्या होते हैं हम लेटली उसको स्टडी करेंगे, और कैपेबिलिटीज यानी उसके रिसोर्सेज, उसकी स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन की, एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद अजीजा ने मन ये है कि आप एक फिट क्रिएट करेंगे बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है टू ग्रो, टू बी नंबर वन, टू बी बेस्ट, और उसकी कैपेबिलिटीज यानी उसके कुछ रिसोर्सेज और कुछ उसकी स्किल्स हो सकती हैं, और उसके बाद इन्वायरमेंट की तरफ से चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी गिवन कैपेबिलिटीज, अपनी सलाहितों, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इन्वायरमेंट के साथ जो एक फिट या एक कंपैटिबिलिटी क्रिएट करने का अमल है उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नाम दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप अपनी इन्वायरमेंट के साथ कंपैटिबिलिटी या उसके साथ फिट क्रिएट नहीं करते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। देखिए, बहुत आम मिसाल ये है कि हम किस किस्म का लिबास पहने घर से बाहर जाते वक्त, इसका फैसला जो बाहर का मौसम है, खास तौर पर मौसम में जो खुश्की और नमी है या बारिश है या खुश्की है या उसका जो दर्जा हरारत है वो करता है। और आप देखते हैं कि हमारे लिबास का जो फैसला है वो प्रीडोमिनेंटली, हाँ हम उसमें खूबसूरती का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हम अपने जिस्म को मौसमी असरात से बचाने के लिए लिबास का इंतखाब करते हैं। और आप ये जानते हैं कि अब आपने किसने फिट को समझना, फिट कैसे क्रिएट होता है, बाहर अगर आप देखें कि दर्जा हरारत 36 से ऊपर जा रहा है
یعنی کہ گرمیوں کا موسم ہے اور آپ ایک وولن سویٹر پہن کے باہر جائیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جسم آپ کو کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر درجہ حرارت 7-8 ہے اور آپ ایک کاٹن کی شرٹ پہن کے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا, بھائی نمونیا کا شکار ہو جائیں گے اور بلکہ بیمار پڑ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو سٹیپس لیتے ہیں تاکہ اپنی انوائرمنٹ کے مطابق فٹ کریٹ کر لیں اس کو اسٹریٹجک پلاننگ کہتے ہیں. جس طرح ایک انڈیویجول اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ فٹ کریٹ کرتا ہے, اسی طرح آرگنائزیشنز اور خاص طور پہ چونکہ ہم مارکیٹنگ پڑھ رہے ہیں تو مارکیٹنگ والے بھی ایک فٹ کریٹ کرتے ہیں. اس پروسیس کو اسٹریٹجک پلاننگ کا نام دیا جاتا ہے. اچھا اب اس پروسیس کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں, آئیے ان کو دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں ہم ان کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کے سامنے اس وقت 5 سٹیپس نظر آ رہے ہیں, پہلے ہم ان کو سمجھیں گے. اس کے اندر مارکیٹنگ انالیسس یعنی انوائرمنٹل انالیسس ہے, پھر انٹرنل انالیسس ہے, پھر ویژن ہے, مشن ہے اور آبجیکٹیوز ہیں. مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہوئی ہوگی. خاص طور پر آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا کہ اسٹریٹجک پلاننگ کیا چیز ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.